एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। यार बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे उन लोगों के लिए जो आज आपका एमटीएस का एग्ज़ाम देने गए हैं या फिर जो गए थे, कि आज फिर एक बार एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लीक हो चुका है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है कि नीतू मैम ने डाला है माय फ़ोन विल गो अगेन, ठीक है, तो मतलब उन्होंने फ़ोटो डाली है कि पेपर लीक हो चुका है। पर बात ये याद रखने वाली है कि कोई सेकंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट का नहीं, दोनों ही शिफ्ट का आपका जो पेपर था वो लीक हो चुका है। ठीक है, तो कोई ये ना है कि सर कौन सी शिफ्ट का, फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे दोनों शिफ्ट का हो। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये था फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो उन्होंने 30 मिनट पहले डाला था, और ये 30 मिनट तो सेकंड शिफ्ट का है। उन्होंने लगभग 12 बजे पेपर ख़त्म होता और 11 बजे ही उन्होंने एग्ज़ाम का पेपर प्लस आंसर शीट फेसबुक पर डाल दी थी। किसी बच्चे ने उनके पास भेजी होगी या कहीं से उनके पास मिल गई होगी, तो उन्होंने डाला है। ये केडी कैंपस की हेड है, ठीक है, कई सारे बच्चे उनके जानकार होते तो उन्होंने वहीं से कहीं से आपको बता दिया होगा। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हर बार यही क्यों बताते हैं, तो बच्चों ने बहुत मेरे को ऑफेंड किया था कि यार ऐसे कैसे कह सकते हो। देखो वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, ठीक है, जो मेरे मन में था वो मैंने आपको बताया। मैं नहीं कह रहा कि इन्होंने कुछ गलत किया है, हो सकता है नहीं किया हो, भाई ये सही है क्योंकि बच्चों का फ्यूचर बचा रही है। बहुत सारे बच्चों के पास आंसर शीट और पेपर हैं, ज़्यादातर के पास आंसर शीट और पेपर थे, ठीक है, ऐसी ये हो सकता है कि देखिए उन्होंने नहीं किया हो। पर अब जो मैं है आपको वो बता रहा हूँ कि आज का फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का पेपर दोनों ही लीक हो चुके हैं। यार क्या कह सकता हूँ, देखिए मैं पेपर लीक हो गया, 30 तारीख का हो गया था, 14 तारीख का हो गया, तो अब जो शायद आने वाले एग्ज़ाम हैं मेरे को तो लगता है कि एसएससी को वो भी कैंसिल कर देने चाहिए और दोबारा से एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराने चाहिए जो ऑनलाइन हो, जो मुझे लगता है कि यार ऐसा होना चाहिए। ठीक है, सारे पेपर कैंसिल करा दें जो पिछले हुए थे, जो अब हुए थे, ठीक है, और दोबारा से एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराएं, वो भी ऑनलाइन। ऑफलाइन में नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, अब नहीं चल सकता, ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा और पैटर्न भी इनको चेंज करना पड़ेगा, क्वेश्चन सारे बदलने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे चलता रहा तो यार नाम बर्बाद हो जाएगा एसएससी का, और मुझे नहीं लगता कि आगे वो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करने लायक रहेगी या गवर्नमेंट उसे देगी। देखिए जो मुझे लगता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब लोग कहेंगे कि तुम एसएससी के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो। देखिए मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप एक बार हो वो गलती होती है, दो बार हो वो गलती होती है, पर यार जो बार बार हो ना वो गलती नहीं होती यार, उसे गुनाह कहते हैं, और अब एसएससी गुनाह कर रहा है। ठीक है, बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहा है यार, बच्चे डीमोटिवेट होते हैं इससे बहुत ज़्यादा। मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने पिछली वीडियो डाली थी कितने बच्चों ने कहा था कि सर हमारा मनोबल टूट रहा है, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो मैंने उनको बहुत मोटिवेट करने की कोशिश की थी। पर अब एसएससी कितने, आप खुद ही सोचिए, एक पेपर वो रीकरा सकता है, पूरा एग्ज़ाम थोड़ी ना रीकरा देगा यार। जब एग्ज़ाम ही रीकराना तो दोबारा वो ऑनलाइन ही करा ले पैटर्न चेंज करके। मैं कह रहा हूँ 2 महीने का टाइम ले ले, 2 महीने बाद वो कराए और ऑनलाइन करा दे, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ऑफलाइन कराना क्यों ज़रूरी है यार। ठीक है, ये भी तो एक एग्ज़ाम है, बच्चे की लाइफ है, इससे करियर बन रहा है, करियर जुड़ा हुआ है, ऑनलाइन कराओ ना। अगर यार कभी भी किसी एसएससी वाला कोई डिपार्टमेंट का इस वीडियो को देखे, देखिए मैं नहीं कह रहा कि पक्का देखेगा, पर अगर कोई देखे तो यार मैं उनके सामने खड़े होकर कह सकता हूँ कि यार इससे घटिया डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा यार किसी भी अपनी पूरी लाइफ में, एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपीएससी हो, मैं तो कह रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट क्यों ना हो ना, उसमें भी इतने पेपर लीक नहीं होते जितना एसएससी करवा रहा है। या तो उसने लोग ऐसे भर रखे हैं जो 10-10 रुपए के पीछे पागल हैं कि यार 1000-1000 रुपए में लोग पेपर लीक कर रहे हैं। यार बच्चे की लाइफ का सवाल है, कुछ तो शर्म करो यार। तो एसएससी को ये समझना पड़ेगा, और ये नीतू मैम ने डाला है फेसबुक पे, ठीक है, अभी से शायद लगभग 15 मिनट पहले डाला है ये एक नई जो फ़ोटो आई है एग्ज़ाम की, ठीक है, तो इनका भी मैं देखिए मैं थोड़ा बहुत थोड़ा थैंकफुल हूँ इनके लिए भी, क्योंकि इन्होंने डाल के एक बार कम से कम जो बाकी बच्चे थे जिनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी, ठीक है, इनजस्टिस हो रही थी, उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा इससे, एक चांस मिलेगा अपने आप के लिए स्टैंड करने का। ठीक है, तो आई होप कि यार ये आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि आपको वीडियो नहीं पसंद आई होगी,
तो मैं नहीं कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करो, पर यार आप अगर मेरी बात से सहमत हो ना कि SSC अब नहीं रहा उस लाइक कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा है, तो यार इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं मेरी इस वॉइस से, मेरे सपोर्ट में, तो यार सब्सक्राइब करो। और अगर कुछ कहना चाहते हो ना, कुछ भी कहना चाहते हो यार SSC के बारे में, मेरे बारे में, जो मैंने कहा उसके बारे में, SSC से जुड़ी कोई सी बात है, तो यार कमेंट ज़रूर करो, ठीक है। तो चलिए यार फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।